हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब के सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, ठीक है ना। एमसीक्यूज जैसे इकोनॉमिक्स के दोनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं, तो ये फिजिक्स का सेकंड पार्ट है, एमसीक्यू सेक्शन, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें आनी है, कैसे आनी है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, मैं पढ़ लेती हूँ और आप देख लीजिएगा और इसी हिसाब से क्वेश्चन अपने याद कर लीजिएगा। इनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है टू चार्जेस जो हैं वो आपको 1 UC या प्लस 4 UC के दो आवेशों एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। ओके, तो आगे फोर्सेस बतानी है, ये रेशियो ऑफ फोर्स। उसके बाद में सेकंड जो है 3:3 कैपेसिटी ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी आर जॉइंट फर्स्ट इन सीरीज देन इन द पैरेलल द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन बोथ द केसेस विल बी। तो ये देखिए रेशियो के क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे गए हैं इन लोगों ने। फोर्स की रेशियो पूछी गई है या कभी कैपेसिटी की रेशियो पूछी गई है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये इस टाइप से क्वेश्चन है। अगला फोर्थ वाला भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हो, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली टू इट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं धीरे धीरे ये आपको एक डेमो की तरह दिखा रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आगे देख सकते हैं आप, लेंस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन आ जाता है, मिरेज इज अ फिनोमिनन ड्यू टू, किस वजह से होता है मिरेज, ठीक है। देन टेंथ क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के इसमें, देखिए 11th क्वेश्चन, उसके बाद में 12th। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या आप इनको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए द डी ब्रोगाइल वेव लेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इज, उसके बाद 15th क्वेश्चन। ये देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, एनर्जी बैंड इन अ सब्सटेंस इज शोन इन फिगर वेयर वी इज अ वैलेंस बैंड एंड सी इज द कंडक्शन बैंड। तो सब्सटेंस पूछा गया क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला ही ना, एन टाइप सेमी कंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरीज आर, ठीक है। 18 क्वेश्चंस देखिए ऐसे आ रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में 19th से देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो फिलिप्स आ रखे हैं, ठीक है, फिलिप्स के उसमें आ रखे हैं क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर सिर्फ फिलिप्स हैं, ठीक है बेटा। तो फिलिप्स आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, गूगल से कर लीजिएगा, ईजी हैं, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, गूगल जिंदाबाद है इस टाइम पर, ओके। उसके बाद वन वर्ड आंसर्स जो हैं वो देखिए सिर्फ एक वर्ड देना है आपको इस आंसर के लिए, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से, तो 35 तक क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स के होंगे, 1 वर्ड, ठीक है। ये देखिए सिर्फ एक वर्ड के आंसर, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे बेटा आप लोगों को फिजिक्स में। तो आई होप समझ आ गई होगी और पता लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं आप लोगों को। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, इनसे मिलते जुलता। कोई भी बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा कि मैम यही पेपर आएगा क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा आप लोगों को डल नहीं होना है, यही सेम पेपर कैसे आ सकता है, ये तो जस्ट सैंपल है ना। तो इससे मिलता जुलता ही पेपर आता है। अभी हिंदी का पेपर हुआ है आप लोगों का, कई बच्चों की कमेंट आई कि मैम सेम पेपर ऐसा ही आया था। तो पेपर का पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चन भी कई बार अगर किस्मत अच्छी हो तो सेम मिल जाते हैं आप लोगों को। तो ये तो पूरा का पूरा याद करना ही है, साथ के साथ कोशिश ये भी करनी है कि जितना हो सके आप लोग इनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस करके जाएं, ओके। तो आई होप समझ आ गया होगा, कोई डाउट रह गया हो या कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स जो है मैं डेली शेयर करती ही हूँ, आप लोगों के कमेंट के जवाब मैं उस वीडियो में दे दूँगी, ठीक है बच्चों। तो जो भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।